हे गाइस, वेलकम और वेलकम टू माय चैनल माय डे मंजरी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आती हूँ। आज का हॉल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक ज्वेलरी हॉल, मिक्स हॉल है। कुछ मीशो से है, कुछ अमेजोन से है, लेकिन सारे जो ज्वेलरी है बहुत ही लेटेस्ट थी, बहुत इस टाइम पर चल रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ज़्यादा देर बातें नहीं करते हैं, करते वीडियो के स्टार्ट। तो आज मैं बहुत सारे आप लोगों के लिए कलेक्शन ना, इतने सारे कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग हमारे चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। जब तक मैं शेयर आगे वीडियो शेयर करती हूँ, अब तक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, करते वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट कलेक्शन जो है वो है ये एक रिंग जो मैंने ऑलरेडी पहन रखी है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है। सच्चा इसको देखने के बाद मेरा बिल्कुल दिल आ गया है। बेस कलर की मैंने मंगाई है। बेस कलर में बेनिफिट एक ये होता है कि आप इसको किसी भी आउटफिट के साथ मैच करा सकते हैं। इसको कलर कॉम्बिनेशन नहीं होती, किसी भी आउटफिट के साथ बहुत अच्छी लगेगी। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, आप देख सकते हैं इसमें पल्स लगाए हुए हैं, मोती लगाई हुई है। लेकिन इसका जो लुक आ रहा है वो इतना मतलब नीट एंड क्लीन, इतना कम्प्लीट है कि मतलब बहुत मुझे बहुत सही लगी देखने बाद। कुछ बिल्कुल भी क्वालिटी इसकी बहुत सही आई है, आप देख सकते हैं बहुत सही क्वालिटी आई है, बहुत अच्छी आई है। तो अगर मैं इसके लिए आपको हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आपको ऐसे एक रिंग रखना चाहते हैं अपनी स्टोरी में, तो आप ये बिल्कुल रख सकते हैं। एक तो बेस कलर है, किसी भी आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, बहुत अच्छे से मिक्स मैच हो जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, आप साड़ी के साथ पहन सकते हैं इसको, हैवी लहंगे के साथ वेयर कर सकते हैं, आप अपने ब्यूटी कलेक्शन में ऐड कर सकते हो। आप साड़ी पहन रहे हो, आप साड़ी के साथ इसको वेयर कर सकते हो, तो ओवरऑल ये सबके साथ चली जाएगी, सबके साथ मिक्स मैच हो जाएगी, लुक बहुत अच्छा आएगा। बेस कलर है तो ये आपको बार बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने एक बार लिया और इसको कई सारे ड्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सूट बार बार, ये चीज़ है, ऐसी चीज़ रिंग है कि आप ये बार बार यूज़ करोगे, एक बार लोगे आप कई सारे चीज़ के साथ आराम से चली जाएगी। नेक्स्ट मैंने एक रिंग और मंगाई हुई है, वो मुझे कल मंगाया मैंने बेस कलर में, पर वो इतनी प्यारी नहीं आई है, बट ओके ओके टाइप से ये आप देख सकते हैं। ये भी बेस कलर पे है, बट अब देखा जो नेट मैंने पहले दिखाई ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई इसमें कंपटीशन कर रही हूँ, बट दोनों की फिनिशिंग कितनी डिफरेंट है। अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। साइड में ऐसे पल्स का वर्क है, बीच में बेस कलर है, कुछ गोल्डन कलर के भी इसमें स्टोन दिए हुए हैं, तो ओवरऑल इसका भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो ये बेस, इसके लिए मैं ज़्यादा रेफर करूँगी कि आप इसको लीजिए। ये इसका लुक बहुत नीट क्लीन है, मतलब कुल मिला के बहुत अच्छी लगेगी। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट था, ये मेरा ये था। इसका भी मैं कोड, आप इसका भी जो जहाँ से मैंने लिया है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मैंने एक बेस कलर की एक ज्वेलरी मंगाई। बेस कलर का मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा क्योंकि बेस कलर ऐसा है कि किसी भी आउटफिट्स के साथ, क्योंकि हम क्या करते हैं हम ज़्यादा ज्वेलरी अपने पास स्टोर करके नहीं रह सकते, क्योंकि आप रख तो कुछ टाइम बाद वो चीज़ें का फैशन आउट हो जाता है। बट ये कलर ऐसा है कि इनका फैशन काफ़ी लाइफ टाइम तक चलता है, एक बार आपने ले लिया बहुत सारे आउटफिट के साथ मैच हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो है एक ईयरिंग जूके, ये देख सकते हैं इसमें एलिफेंट का थोड़ा सा प्रिंट दिया हुआ है, ओवरऑल लुक इसका बहुत अच्छा लग रहा है। बेस कलर से पल्स की डिटेलिंग दी गई हुई है, पल्स बहुत अच्छी क्वालिटी बहुत सही आई है, बिल्कुल भी चीप नहीं है, बहुत गुड क्वालिटी है, पहनने के बाद बहुत अच्छी कलर देती है। इसमें थोड़ा सा कुंदन वर्क एंड पिंक कलर का थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है, ओवरऑल लुक इसका बहुत अच्छा लगता है। किसी भी आउटफिट के साथ चली जाएगी, साड़ी के साथ जाएगी, सूट के साथ जाएगी, छोटे मोटे फंक्शन में आप कहीं भी जा रहे हैं तो इसको वेयर कर सकते हैं। लुक बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने मंगाया, आप देख सकते हैं बहुत से। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो भी एक बेस कलर का चोकर सेट है, वो है ये भी मैंने मीशो से मंगाया है, अभी लेटेस्ट ही मंगाया है। बेस कलर है, किसी भी आउटफिट के साथ जाएगा, बीच में इन्होंने इसे पिंक कलर का टच दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसको हैवीनेस दे रहा है, थोड़ा सा कलर दे रहा है, कलर ऐड किया हुआ है, तो इसके साथ ये थोड़ा सा मतलब अलग लग रहा है। आप इसको लहंगे के साथ पहन सकते हैं, इसको किसी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं, आराम से जाएगा, लुक बहुत डिफरेंट रहेगा। बेस कलर है तो किसी भी आउटफिट के साथ आराम, सोचने की कोई बात ही नहीं, बस एक सेट अपने पास रखा टच करा दिया। इसमें साइड में इस तरह से पल दिया हुआ है, बीच में इस तरह से तीन पैचेस लगाए हुए, नीचे इन्होंने वह मोती इसे लटकाई हुई है। लुक बहुत सही है, अच्छा है। एंड इसके साथ जो ईयर रिंग्स है वो है कुछ इस तरह से,
इयररिंग्स का पेयर भी मुझे सही लगा क्योंकि इसका जो साइज है वो थोड़ा ठीक ठाक है कि आराम से इसको पहनेंगे तो ये दिखेगा आपके कानों में। इसमें भी बीच में एक पिंक कलर का स्टोन दिया हुआ है, नीचे तीन से मुंगलक लगाए हुए। तो ओवरऑल लुक इसका बहुत सही लगा मुझे, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सही था। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप वहाँ इसको परचेज कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसी चीज़ की मंगाया है, वो मैंने अमेजोन से मंगाया है, वो मैंने मंगाया है इस तरह से जवेरी पल से। इसकी पैकेजिंग बहुत सही आती है, इनके ज्वेलरी मैंने काफ़ी टाइम्स यूज़ कर रही हूँ, इनकी ज्वेलरी की जो क्वालिटी होती है वो बहुत सही होती है, काफ़ी टाइम तक चलती है, कलर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लुक देती है, थोड़ा सा इनकी जो डिटेलिंग होती है या इनको वर्क करने की जो स्टाइल होता है वो बहुत सही होता है। इनकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब कॉटन की कुर्ती के साथ या सिल्क की साड़ी के साथ अगर इसको वेयर करेंगे तो बहुत सही वाला दिखेगी। गोल्डन कलर का पूरा वर्क दिया हुआ है, नीचे इस तरह के छोटे 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 पल्स लगे हुए हैं, तो किसी भी सूट के साथ आउटफिट के साथ अगर आप इसको वेयर करेंगे अच्छा लगेगा, साड़ी के साथ अच्छा लुक देगा। लाइट वेट है बिल्कुल, और ना बहुत बड़ा साइज है ना बहुत छोटा साइज है, तो अगर ऐसी कोई झुमकी की आपको तलाश है तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। इसका भी मैं आपको कोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है वो भी मैंने मंगाया है अमेजॉन से, वो मैंने मंगाया है ज्वेलरी गैलेक्सी का, उन्होंने भी इस तरह से पैकेजिंग में दी हुई है कि भी क्वालिटी बहुत सही होती है, इनकी पॉलिश वगैरह नहीं जाती है, डिज़ाइन जो होती है बहुत डिफरेंट होती है, क्लासी लगती है। वो जो मैंने मंगाया है वो ही कुछ इस तरह का पेयर, पूरा टॉप्स का मैंने सेट मंगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कितने मतलब सही पेयर दिए गए हुए हैं। ये इसमें स्पेशली ये वाली है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, किसी आप वेस्टर्न आउटफिट के साथ पहनना चाह रहे हैं पहन सकते हैं, ये इतना यूजफुल पेयर है। आप ऑफिस जा रहे हो तो पहन सकते हैं, आप कॉलेज जा रहे हो तो पहन सकते हैं, आप मार्केट जा रहे हो तो पहन सकते हैं, आप कहीं ओवरऑल कहीं भी पहन सकते हैं, सबके साथ मैच करके गोल्डन कर रहे थे। तो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इनकी बहुत सही है, पेयर बहुत सही है, बहुत सारे ड्रेस के साथ आराम से चलेगा। आपने एक सेट लिया बहुत कॉलेज ऑफिस डेली यूज के हिसाब से भी बहुत सही है, अगर आप ऐसा कुछ पेयर पहनना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको ले सकते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। तो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने एक और मंगाया है वो भी मैंने इन्हीं ज्वेलर से मंगाया है, ज्वेलर्स गैलेक्सी, दूसरा भी सेम इसी तरह पैकेजिंग में आया, इनकी सारी ज्वेलरी ऐसी ही पैकेजिंग में आती है। नेक्स्ट जो मंगाया गया है गोल्डन कलर का सेट, वो है इस तरह से, नेक्स्ट वो भी मैंने इन्हीं से मंगाया है, वो है कुछ इस तरह से। अच्छा ये मुझे जितना ज़्यादा मतलब इमेज में अच्छी लग रही थी सामने से, मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, मतलब पहनने के बाद मुझे उतना ज़्यादा पसंद सही नहीं लगी। आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसको ले सकते हैं, बट मुझे मैं आपको इसके लिए ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, मुझे ज़्यादा सही क्वालिटी सही है, डिज़ाइन सही है, बट सामने से देखने में थोड़ा अजीब सी लग रही है, देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ लेना चाहते तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्वालिटी बिल्कुल सही है, डिज़ाइन जैसी दिख रही थी वैसे आई थी, बट ये पहनने के बाद मुझे उतनी सही नहीं लग रही है, तो वो अगर आप लेना चाहते तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये था मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी मैंने इन्हीं ज्वेलर गैलेक्सी से एक और मंगाया है पेयर, तो वो दिखाती हूँ क्या है। ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई है, किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ आप इसको वेयर करेंगे बिल्कुल आपका लुक इनहेंस कर देगी, क्लासी लगेगी। आप किसी भी जीन्स टॉप के साथ, फुल गाउन सेट के साथ आप पहन सकते हैं, किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहनेंगे ओवरऑल लुक बहुत अच्छी देगी। इसे भी आप कॉलेज पहन के जा सकते हैं, ऑफिस पहन के जा सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शन में पहन के जा सकते हैं, जैसे आप इसको वेयर कर सकते हैं वेयर कर सकते हैं। क्वालिटी बिल्कुल सही है, इसके अंदर ये जो राउंड राउंड दिया हुआ है, इसके अंदर एक पल्स की डिटेलिंग दी गई हुई है, अंदर एक पल्स पड़ा है, तो ये मुझे बहुत सही लगी। आज का मेरा कोई फेवरेट इयररिंग्स है वो यही है इयररिंग्स, इसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, ये बहुत सारे ड्रेस आउटफिट के साथ ये चला जाएगा, बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है इन्हीं से एक पेयर ये है, ये भी मैंने एक पेयर का सेट मंगाया है, ये नेक्स्ट मैंने जो मंगाया है उनसे एक और सेट मंगाया हुआ है, ये भी एक पेयर पे मैंने मंगाया हुआ है। इसमें भी बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के पेयर्स मिल जाएंगे, गोल्डन कलर की पल्स, सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई पसंद आया ये गोल्डन कलर्स के पल्स के तरीके, ये गोल्डन कलर की पल्स दी गई हुई कि ये बहुत इन्हेंस करेगी आपके लुक को। इसमें ऐसे हुक्स दिए गए हुए हैं, ऐसे मतलब वेस्टर्न ड्रेस के साथ किसी आउटफिट के साथ इसको पेयर करेंगे बहुत अच्छी लगेगा। आप इसको भी जो छोटे छोटे स्टोन हैं आपको जो मैंने मंगाया है वो मैंने एक हेयर एसेंस से मंगाया है, जो कि मैंने मीशो से मंगाया है, वो कुछ इस तरह से है,
आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही है, मतलब बहुत डिफरेंट सा लुक देती हैं आपको। हाफ बाल चेक इन करने आराम से आप इसको लगा सकते हैं, लुक बहुत डिफरेंट से देगा, क्लासी देगी बिल्कुल। उनकी क्वालिटी बहुत सही लग रही है मुझे, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में ये सारे पेयर एक ही साथ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये वाला पेयर कितना प्यारा लग रहा है, इसमें एक ये बना है एक ये है, मतलब ओवरऑल इसका लुक भी मुझे बहुत सही लगा। ऐसा कुछ अगर आप लेना चाहते हैं अपने बाल को थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लुक देखना चाहते हैं तो कुछ आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। एक हार्ट शेप में है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। एक ये वाला थोड़ा सा राउंड शेप में है, एक हार्ट शेप में, दोनों भी लुक बहुत प्यारे लग रहे हैं। बाकी के तो जो है वो इस डिज़ाइन पे हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ये डिज़ाइन भी कितना प्यारा लग रहा है, ये डिज़ाइन भी कितना प्यारा लग रहा है। आपके पूरे बालों के लुक को बिल्कुल डिफरेंट कर देगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ये इसके लिए भी मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ कि ये सेट एक आप अपने पास रखिए आराम से। फैमिली में अगर 2 से 3 4 लोग हैं तो आराम से इसको अलग अलग डिज़ाइन से आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वो अपने चॉइस के ऊपर है, आप जैसे वेयर कर सकते हो। तो लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत सही आई है, इसमें इस तरह से पल्स की डिटेलिंग दी गई हुई है, आप देख सकते हैं एक बड़ा पल्स है तो एक छोटा पल्स है, इस तरह से पूरा पल्स दिया हुआ है, गोल्डन कलर में है। क्वालिटी बहुत सही आई है, प्राइस बहुत सही था, और ऐसे चीज़ें आजकल ट्रेंड भी बहुत है और बहुत अच्छी लग रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट ज्वेलरी जो मैंने अमेजोन से मंगाई है वो भी जो मैंने ऑलरेडी पहन था कि आप देख सकते हैं कितनी सिमरी से इन्होंने एक लेयर लगा रखी है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। हुक से आप किसी भी आउटफिट के साथ इसको भी पहन सकते हैं, इसे भी आप कॉलेज ऑफिस मार्केट या छोटे मोटे फंक्शन में आप इसको वेयर कर सकते हैं। आप किस ड्रेस के साथ इसको मिसमैच कर रहे हैं उसके हिसाब से, लेकिन ओवरऑल लुक बहुत सही लग रहा है मुझे। ये आपके एक मतलब हमें कहता है आउटफिट या आपके कलेक्शन में ये एक होना ही चाहिए, क्योंकि ये हुक्स क्या होते हैं जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती किसी आउटफिट के साथ ये चले जाते हैं आराम से, और ये किसी के ऊपर भी अच्छे लगते हैं। इस इनको पहनने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि आप कैसे वेयर करिए, मेरे पर सही लगेगी कि नहीं लगेगी, ये ज़्यादातर सभी लोगों पर अच्छे ही लगते हैं। तो इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ कि बहुत ही सही वाला लुक दे रही है ये। तो अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये था आज का मेरा ज्वेलरी हॉल। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा लेना, एंड अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर लेना ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे ये वीडियो। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट से किसी अच्छे हॉल पर, तब तक के लिए बाय बाय।